रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों को, बेटियों को, भांजियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सशक्त बने, यही मंगल कामना है। समाज के लिए भी आज संकल्प का दिन है कि हम अपनी बहनें और बेटियां, जिनके बारे में कहा गया है भारतीय संस्कृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण करें, मिलके करें सब, भाई हो, बहन हो, क्योंकि बहनों के बिना या महिलाओं के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ना तो देश सशक्त बन सकता है, ना प्रदेश सशक्त बन सकता है। यह हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, आत्मनिर्भर बहनें। मैं आज ये भी अपील करता हूं अपनी बहनों से, राखी बांधने वो जा रही हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सुरक्षा बंधन है और सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अगर भाई ने टीका नहीं लगवाया तो राखी बांध के भाई से वचन ले लेना कि तुम टीका स्वयं भी लगवाओ और अपने परिवार को भी लगवाओ। और भाई का भी एक कर्तव्य है, वो अपनी बहन से ये आग्रह करे कि वो टीका जरूर लगवाए, अगर नहीं लगवाया हो तो। और बहन विवाहित है तो ससुराल पक्ष के सब लोग भी टीका लगवाए, यही सुरक्षा बंधन है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मध्य प्रदेश में अब 4 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो पहला डोज 7% लोगों को लगभग लगा है और दूसरा डोज केवल 12% लोगों को लगा है। जिन्हें फर्स्ट डोज लगवा लिया उनका सेकेंड डोज ड्यू है अभी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक निश्चित समयावधि में अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लगवाया तो पहले डोज का भी असरकारी परिणाम नहीं होता, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। और इसलिए मेरी अपील है, जिनने पहला डोज नहीं लगवाया वो पहला डोज लगवाए और पहले के बाद दूसरा नहीं लगवाया तो दूसरा जरूर लगवाए। इसलिए हमने एक बार फिर से 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाभियान चलाने का फैसला किया, ताकि जनता को एक बार फिर ध्यान दिला सके, अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। और इसलिए भी जरूरी कि रोज कोरोना के प्रकरण अभी भी आ रहे हैं, संख्या नियंत्रित है लेकिन रोज आ रहे हैं, जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी अपील है कि 25 को 26 को केवल सेकेंड डोज लगाएंगे, ताकि उसको फोकस हो सके। 25 को फर्स्ट सेकेंड दोनों लगेंगे और 26 को केवल सेकेंड डोज लगेंगे, तो सारे भाई और बहन सेकेंड डोज भी जिनके नहीं लगा वो जरूर लगवाएं। और सभी राजनीतिक दलों से, धार्मिक गुरुओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी स्तर के जनप्रतिनिधिगणों से मैं अपील करता हूं कि 25 और 26 के वैक्सीनेशन महाअभियान में आप सब योगदान दें, लोगों से संपर्क करें, जिनने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको घर से निकालें, वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं, उनको टीका लगवाएं, टीका लगवाने के लिए निमंत्रित करें। धन्यवाद।